देश में फिल्मी हस्तियों का राजनीति के मैदान में उतरना कोई नई बात नहीं है। बॉलीवुड के कई स्टार्स पहले भी राजनीति के मैदान में उतर चुके हैं। मनोज तिवारी, रवि किशन और दिनेश लाल यादव निरहुआ, इनके साथ ही कई नाम इस समय राजनीति में सक्रिय हैं। इनके अलावा फिल्म अभिनेत्री काजल निषाद हैं, जो लोकसभा चुनाव में सपा के टिकट पर गोरखपुर सीट से ताल ठोकने जा रही हैं। देश में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। चुनाव को देखते हुए आचार संहिता भी लागू कर दी गई है। जिला प्रशासन अब पूरे शहर से होर्डिंग बैनर उतरवाने का काम कर रहा है। वहीं आचार संहिता लगते ही जिला प्रशासन सभी प्रत्याशियों और कार्यकर्ताओं पर सख्त नजर बनाए हुए है। लगातार लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। इसी बीच सपा प्रत्याशी काजल निषाद को आचार संहिता के मामले में थाने बुलाया गया और सख्त हिदायत दी गई। दरअसल गोरखपुर में गुलरिया थाने की पुलिस ने सपा प्रत्याशी काजल निषाद को थाने बुलाकर आचार संहिता उल्लंघन को लेकर चेतावनी दी। इस दौरान थाने में पुलिस और काजल निषाद के बीच तीखी झड़प हुई। सपा प्रत्याशी काजल निषाद से बातचीत के दौरान थाना इंचार्ज ने बैनर पोस्टर न लगाने की हिदायत भी दी। इतना ही नहीं, थाने में सपा प्रत्याशी काजल निषाद के साथ भीड़ को देखते हुए थाना इंचार्ज आग बबूला हो गए और अपनी सीट से उठते हुए सपा कार्यकर्ताओं को थाने से भगा दिया। थाने में पहुंची सपा प्रत्याशी काजल निषाद ने कहा कि आप लोग संविधान की शपथ लेकर नौकरी तो करते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के इशारे पर विपक्ष को प्रताड़ित भी करते हैं। क्या यही संविधान है? इस पर दारोगा ने उनके कार्यकर्ताओं को हड़काते हुए चैम्बर से बाहर कर दिया। इस दौरान काजल निषाद को भी उन्होंने चेतावनी दी, जिसको लेकर सपा के कार्यकर्ताओं में आक्रोश दिख रहा है। इस तरह से बात कर ये थाने के एसओ देख रहे हैं, इस तरह से बात कर संविधान को ये लोग खत्म कर रहे हैं। संविधान की कसम खाकर पुलिस वाले बनते हैं, संविधान की कसम खाकर नौकरी करते हैं कि भाजपा की गुंडों के लिए नौकरी बनते हैं। ये इस तरह से हड़काने का काम कर रहे हैं। शांति रखिए, शांति रखिए भैया, चोट लगा बनाए। ऐसा है कि संविधान को ये खत्म कर रहे हैं। संविधान हमारे लिए खत्म हो जाएगा तो क्या हालत होगी सबकी, ये मैं भी अच्छी तरह से जानती हूँ। संविधान के दायरे में रहकर हर कोई काम करे, यहाँ हर कोई आजाद है अपनी बात करने के लिए। कहेंगे हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे गांव वाले, तो क्या उन पर कार्रवाई होगी? अगर कहेंगे कि हम कमल का बटन दबाएंगे तो क्या ये लोग पहुंचेंगे वहां पर? शासन प्रशासन पहुंचेंगे? और गांव गांव है कि भाजपा का आना वर्जित है, तो ये किसी की गलती है? जाकर पता करे ना सर, पता करे कि किसने लगाया पोस्टर। आचार संहिता का उल्लंघन अगर कोई भी करेगा तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हो चाहे समाजवादी के लोग हो, लेकिन गांव वालों को प्रताड़ित करेंगे ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको बता दें कि गोरखपुर से सपा प्रत्याशी काजल निषाद गुजरात की रहने वाली हैं। वो अपने कैरियर के लिए मुंबई गईं और कई फिल्मों में काम किया। इसके बाद उन्होंने भोजपुरी सिनेमा का रुख किया। इंडस्ट्री में लंबे समय तक काम करने के बाद उनकी पहली भोजपुरी फिल्म शादी ब्याह थी। इसके बाद वो देश के बड़े नेताओं के संपर्क में आई और राजनीति में आने का मन बना लिया। फिलहाल समाजवादी पार्टी ने काजल निषाद को गोरखपुर लोकसभा प्रत्याशी बनाया है। वो इस बार बीजेपी के रवि किशन को टक्कर दे सकती हैं। इस तरह से बात ये थाने के एसओ देख रहे हैं, इस तरह से बात